गृहिणियों को धुएं से निजात दिलाने के लिए केंद्र की उज्ज्वला योजना से वंचित रहे लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना चलाकर हर घर को गैस कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। हिमाचल प्रदेश में 1,20,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन देने का प्रावधान प्रदेश सरकार ने किया है। इसी कड़ी में सोलन में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने 50 से अधिक पात्र महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। जिला सोलन में अब तक 2,300 से अधिक गरीब परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मंगलवार को भी खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने 50 से अधिक गृहिणियों को गैस कनेक्शन वितरित किए। इसके अलावा संबंधित विभाग ने इस वर्ष 31 मई तक गैस से वंचित सभी परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, ताकि मई माह तक हर घर की गृहिणी के घर में गैस का कनेक्शन हो और कोई भी महिला धुएं से होने वाली बीमारियों से ग्रसित न हो। सिटी चैनल से बात करते हुए खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश के हर घर में गैस कनेक्शन होगा, जिसके लिए विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर के अग्रणी राज्यों में शरीक होगा, जो पहले धुआं मुक्त किचन करेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग ने पिछले वर्ष 2,300 से अधिक गैस कनेक्शन जिला सोलन में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत वितरित किए हैं। इन्होंने प्रदेश को, प्रदेश के हर किचन को, हर चूल्हे को धुआं मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और आज 52 कनेक्शन यहाँ पे बांटे गए। हमारे इस जिला का लक्ष्य जो लिया था 2,328 उसको कंप्लीट करके विभाग ने 2,000 का लक्ष्य और लिया है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,20,000 ऐसे परिवार निकाले हैं जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने से वंचित रहेंगे, उनको फ्री गैस के कनेक्शन देना और उसका लक्ष्य तय करना। 31 मई से पहले पहले हमारा प्रदेश धुआं मुक्त प्रदेश घोषित होगा और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि पूरे देश में धुआं मुक्त होने जा रहा है। हर घर में गैस का कनेक्शन 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। जिला के विभिन्न गांव से आई महिलाएं भी गैस का कनेक्शन पाकर गदगद दिखी और उनका बरसों का सपना पूरा हुआ है। महिलाओं ने बताया कि गैस से जहां एक ओर उन्हें धुएं से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उनके समय की भी बचत होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस योजना को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद लाभकारी बताया। ये गृहिणी योजना से हमें अब लाभ होगा, ये अब हम चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं होगी, अब इससे हमारा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और हम अपने समय की बचत कर सकते हैं। हम बहुत खुश हैं जी, जो हमें ये योजना मिली है गैस सिलेंडर की, और जो हम मतलब हम जंगल में लकड़ी लाने जाते थे तो हम उससे बचे हैं और हमें अच्छी सुविधा मिली है ताकि हम अपने घर में आराम से अपने गैस सिलेंडर पे खाना बना सके, और हम प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गृहिणी सुविधा योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। दूसरी ओर सरकार को ये भी सोचना होगा कि आसमान छूते गैस सिलेंडर के दाम से क्या गरीब लोग गैस सिलेंडर को हर माह भरवा पाएंगे। सरकार को गैस के दामों पर अंकुश लगाने की योजना भी बनानी चाहिए, वरना ये गैस कनेक्शन गरीब लोगों के लिए सफेद हाथी ही साबित होंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।